हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अल्फा स्टडी चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, साइंस का टोटल 1000 क्वेश्चन करने वाले हैं। आज जो होगा डे 3 होगा। इससे पहले 2 दिन जो है वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को अवश्य देख लें। आज जो क्वेश्चन होगा वो 61 से लेकर 90 तक। आपको करना क्या होगा, हम क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे। इसी बीच के दौरान आपको अपना आंसर सेलेक्ट कर लेना है और बाद में जो है कमेंट बॉक्स में करना है कि कितना नंबर ले आए। और जो है अब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, तेल दीप के बत्ती में डैश के कारण ऊपर उठता है। तेल दीप की बत्ती में तेल डैश के कारण ऊपर उठता है। इस सवाल का जवाब दीजिए। दाब अंतर, केशिका क्रिया, तेल की निम्न क्षयांता, गुरुत्वीय बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केशिका क्रिया। केशिका क्रिया क्या होता है समझते हैं। केशिका क्रिया समझने से पहले केशनल आपको समझना चाहिए। केशनल क्या होता है? केशनल वो चीज़ होता है, ऐसी खोखली नली होता है जिसकी त्रिज्या बहुत कम होती है तथा वो एक समान होता है, उसे ही केशनल कहलाते हैं। जैसे एक खोखला त्रिज्या वाला जो है एक केशनल है और इसकी त्रिज्या बहुत कम होती है, इसी को बोलते हैं केशनल। और केशनल में दर ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की क्रिया को केशिका क्रिया कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केशिका क्रिया। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्षयांता की इकाई है, तो आपको बताना है कि क्षयांता की क्या इकाई है। पॉइज, पास्कल, पॉइजुली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पॉइज। क्षयांता होता क्या है? क्षयांता को सरल भाषा में बोला जाए तो एक प्रकार का गाढ़ेपन को ही क्षयांता बोलते हैं। गाढ़ेपन को ही क्षयांता बोलते हैं। जो जो लिक्विड में जितना गाढ़ा होगा उसका उतना ही क्षयांता होगा, अर्थात पानी की अपेक्षा तेल का क्षयांता अधिक होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पॉइज। क्षयांता की इकाई पॉइज होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है, इसका सही आंसर दीजिए। आर्कमिडीज, न्यूटन, लुई पाश्चर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्कमिडीज। आर्कमिडीज जो है उत्प्लावन बल का जो है सिद्धांत दिया था और इन्होंने कहा था किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होगा। और ये जो है आर्कमिडीज यूनान के थे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महान वैज्ञानिक आर्कमिडीज संबंधित थे, तो ये जो है ग्रीस से या यूनान, जो भी ऑप्शन में रहेगा वो मार दीजिएगा। तो ग्रीस या यूनान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, तो आपको बताना है ध्वनि तरंगे की प्रकृति कैसी होती है। अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्ध्य होती है, अपरगामी होती है, विद्युत चुंबकीय होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य होती है। और अनुदैर्ध्य क्या होता है? जब माध्यम के कण संचरण की दिशा में समांतर कंपन करे तो उसे ही जो बोलते हैं अनुदैर्ध्य बोलते हैं। मान लीजिए ये माध्यम का कण है, ध्वनि बोल रहे हैं, और ये हवा का माध्यम का कण है, तो ये जो कण है ये समांतर कंपन करेगा, इसी को बोलते हैं जो है अनुदैर्ध्य तरंग। और जो कण जो है लंबवत कंपन करेगा अपना माध्यम के दिशा, मान लीजिए ये सारा कण है अपना लंबवत कंपन करेगा, माध्यम के संचरण की दिशा में लंबवत कंपन करेगा, तो इसे बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। तो अनुदैर्ध्य तरंग क्या हो गया? जब माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के समांतर जो है कंपन करे तो उसे अनुदैर्ध्य तरंग बोलेंगे, और जब लंबवत कंपन करेगा तो उसे अनुप्रस्थ तरंग बोलेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपने उड़ान पथ में अवरोधक की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित में से कौन सा तरंगों का उपयोग करता है, यह आपको बताना है। अवरक्त तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, प्रासरण तरंगे, रेडियो तरंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये प्रासरण तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव। तो 66 का सही नंबर ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रासरण तरंगे 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर होती है, से अधिक, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक या 20,000 से अधिक, जो भी ऑप्शन में रहेगा टिक आउट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रासरों में ध्वनि की ध्वनियाँ है जिसकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 10,000 हर्ट्ज से अधिक, 10,000 हर्ट्ज से कम अधिक या इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो होता है प्रासरण तरंगे की ध्वनि होती है, इसे अल्ट्रासोनिक वेव बोलते हैं इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्वनि तरंगे हैं
तो आपको बताना है ध्वनि तरंगे जो है लंबवत है, तिर्यक है, आंशिक है, या कभी कभी लंबवत कभी तिर्यक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंगे लंबवत होती है, लेकिन इसका माध्यम के कण जो है समांतर कंपन करता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्व परिसर में ध्वनि तरंगे की आवृत्ति क्या होती है? जो हम लोग सुनते हैं ऑडियोबल साउंड जो है उसकी ध्वनि तरंगे की आवृत्ति क्या होती है? तो याद रखिएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो ये फ्रीक्वेंसी जो बार बार आ रहा, तो फ्रीक्वेंसी होता क्या है समझते हैं। तो फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/T। इस चीज़ को याद रखिएगा। टाइम पीरियड दिया रहता है, कभी कभी एग्जाम में फ्रीक्वेंसी पूछ लेता है, या फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहता है, टाइम पीरियड पूछ लेता है। तो ये होता क्या है, एक बार कंपन करने में जितना समय लगेगा किसी कण को, जैसे मान लीजिए ये कण हम बोल रहे थे, ये जो ऊपर नीचे कंपन करता है, तो एक बार कंपन करने में जितना समय लगेगा उसे ही फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एक बार कंपन करने में एक कण जितना समय लेगा उसे ही फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो जो है सर्व परिसर की ध्वनि का जो रेंज होता है ऑडियोबल का, वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। वायु में ध्वनि की चाल कितना है आपको बताना। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड है। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी, 664, 332, 100 मीटर पर सेकंड या 166 मीटर पर सेकंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 332 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ध्वनि का जो है दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ध्वनि पर, इसीलिए इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसके चाल पे, इसलिए इसका सही आंसर 332 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो आपको बताना है ध्वनि की चाल वायु में, निर्वात में, जल में, या इस्पात में अधिकतम होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इस्पात में। और इस्पात में ही क्यों होती है, इस्पात में जो होता है सॉलिड, याद रखिए किसी भी सॉलिड में जो है अणु जो होता है वो एक दूसरे से बहुत ही सटा हुआ रहता है, बहुत ज़्यादा सटा हुआ रहता है, निकट होता है अपेक्षा लिक्विड और गैस के, इसीलिए जो है इस्पात में सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होती है। ध्वनि की चाल इस्पात में 59,660 मीटर पर सेकंड है ना। स्टील में जो है ध्वनि की चाल 59,660 मीटर प्रति सेकंड है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायु में ध्वनि का वेग जो है 332 मीटर पर सेकंड, 220 मीटर पर सेकंड, 110 मीटर प्रति सेकंड, 232 मीटर पर सेकंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 332 मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा, तो आपको बताना है 100 डेसिबल शोर का स्तर जो है किसके संगत होगा। ठीक सुनी जा सकने वाली ध्वनि, साधारण वार्तालाप, गली के शोर की गुल की आवाज़, शोरगुल की आवाज़, किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल जो है 100 डेसिबल के बराबर है। यदि सितार और बांसुरी एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें से उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से अंतर के कारण किया जा सकता है। तारत्व, प्रबलता और गुणवत्ता, केवल तारत्व और प्रबलता, केवल ध्वनि प्रबलता, केवल ध्वनि गुणवत्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल ध्वनि गुणवत्ता। और तारत्व, प्रबलता और गुणवत्ता ये बहुत अच्छा तरीके से लूसेंट में दिया हुआ है, तो उसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक जेट वायुवान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है, जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है, तो वायुवान की चाल क्या होगी। तो वायुवान की चाल बराबर याद रखिएगा इन दोनों का, 300 यानी ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड इंटू वायुवान का जो वेग होगा ध्वनि कितना जो है डेसिबल उत्पन्न करेगा शोर, उसको गुना कर दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, 332 दुगना 664 मीटर पर सेकंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 664 मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो डेसिबल जो होता है किसका प्रयोग, किसके लिए किया जाता है, प्रकाश की गति के लिए, ऊष्मा की तीव्रता के लिए, ध्वनि की तीव्रता के लिए, रेडियो की आवृत्ति के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्वनि तरंगे किसका कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं, जो इको उत्पन्न करता है वो किस कारण से उत्पन्न करता है, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ध्वनि तरंगे जो है प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है परावर्तन के कारण। परावर्तन का मतलब होता है जब कोई कण किसी चीज़ से टकराकर पुनः वापस आ जाता है तो उसे ही परावर्तन बोलते हैं। तो ध्वनि तरंगे का प्रतिध्वनि उत्पन्न करने का कारण परावर्तन है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है,
अंतरिक्ष यात्रियों के लिए, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियर द्वारा, नौ संचालन के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नौ संचालकों के द्वारा। 78 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। और सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड 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 सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो याद रखिएगा साउंड का फुल फॉर्म जो होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी ध्वनि का स्रोत के आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं। तो जो है किसी ध्वनि में होने वाले आवृत्ति के उतार चढ़ाव को क्या बोलते हैं, रमन प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव या प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव। और डॉपलर प्रभाव क्या होता है समझते हैं। डॉपलर प्रभाव बोला था जब किसी ध्वनि स्रोत या श्रोता के बीच आपेक्षिक रिलेटिव गति होती है तो जो मूल आवृत्ति होती है उससे कम या अधिक सुनाई देती है उसे ही डॉपलर प्रभाव कहते हैं। मान के चलिए आप जो है सुबह सुबह जॉगिंग कर रहे हैं, कोई सीटी बजाता हुआ आपके पास से गुजरता है तो जो उसका मूल आवृत्ति होगा जो सिटी का उससे अधिक या कम सुनाई देगा, इसी को बोलते हैं डॉपलर प्रभाव। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी आवृत्ति की तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है। तो अभी जैसे बताया तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइए, बिग बैंग सिद्धांत, डॉपलर प्रभाव, आर्किमिडीज सिद्धांत का चार्ल्स नियम। तो सही आंसर हो जाएगा इसका डॉपलर प्रभाव। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केल्विन मान में मानव शरीर का तापमान होता है, तो आपको बताना है केल्विन मान में मानव शरीर का तापमान कितना होता है, 280 केल्विन, 290 केल्विन, 300 केल्विन या 310 केल्विन। तो आपको याद होना चाहिए केल्विन बराबर 273 प्लस सेंटीग्रेड होता है और मानव शरीर का सामान्य तापमान जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 310 केल्विन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10 केल्विन। अगला क्वेश्चन 310 केल्विन। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फेरेनहाइट तापमापी एक ही होंगे, आपको बताना है -40 डिग्री सेंटीग्रेड, 212 फेरेनहाइट या 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सारा दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा -40 डिग्री पे, क्योंकि फेरेनहाइट बराबर होता है, याद रखिएगा ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फेरेनहाइट बराबर 9/5 गुना सेंटीग्रेड प्लस 32। ये फार्मूला जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फेरेनहाइट बराबर 9/5 गुना सेंटीग्रेड प्लस 32। जब यहाँ पे सेंटीग्रेड का मान रखिएगा या फेरेनहाइट किसी दोनों में एक का रखिएगा तो -40 ही हर हमेशा आएगा। अगर सेंटीग्रेड का मान रखते हैं -40 तो फेरेनहाइट -40 आ जाएगा, और फेरेनहाइट का मान रखते हैं -40 तो सेंटीग्रेड 40 आ जाएगा। तो जो है -40 डिग्री पे सेल्सियस और फेरेनहाइट तापमापी एक ही होंगे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यूनतम संभव तापमान होता है, तो याद रखिएगा न्यूनतम संभव तापमान कितना होता है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेंटीग्रेड या -300 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना है, 98 फेरेनहाइट, 98 डिग्री सेंटीग्रेड, 68 फेरेनहाइट या 66 फेरेनहाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 98 फेरेनहाइट। याद रखिएगा किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम जो होता है वो 98 फेरेनहाइट होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, तो यहाँ पे जो है 98 केल्विन दिया है, गलत हो जाएगा, 98 सेंटीग्रेड ये भी गलत हो जाएगा, 37 फेरेनहाइट गलत हो जाएगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके का प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है, लोहे की गुटका लकड़ी से भारी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लकड़ी की तुलना में लोहा जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी और तांबा होता है। अगला क्वेश्चन की चलते हैं। आणविक संचलन द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है, आपको बताना है आणविक संचलन के द्वारा जो ऊष्मा का संचरण होता है क्या कहलाता है, चालन, संवहन, विकिरण या प्रकीर्णन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चालन।